अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की मेरी ज़बरदस्त सी जो रेसिपी है ये है जी मटर मलाई चिकन, जो बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही टेस्टी होता है। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर मेरे तरीके को ट्राई करते हुए, फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक नया और मुनफरिद टेस्ट पाने के लिए आप लाजमी इसको बनाइएगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। ये बटर चिकन मैंने कैसे बनाया। चिकन मैंने 450 ग्राम ले लिया है, जिसको धोने के बाद मैंने पैन में फैला लिया है। तो पैन को अभी मैंने यानी फ्लेम को ऑन नहीं किया। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। बस हमें इतना ही अभी ऑयल चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून भर के ये डाल देती हूँ। नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, 1 कप पानी। बस 1 कप पानी ही हमें डालना है क्योंकि चिकन ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो फ्लेम को ऑन कर लेती हूँ मैं, और अच्छा सा इसमें बॉयल आ जाता है तो फिर मैं इसको ढांप के पकाऊंगी। तो अच्छा सा बॉयल आ जाता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। चिकन में अच्छा सा बॉयल आ गया है, ये देखिए आपके सामने है। मसाला जात सारे जो मैंने अभी डाले हैं तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो इसको मैं लो फ्लेम पे यानी दम वाली फ्लेम पे रख देती हूँ तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। ढांप के छोड़े हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। तो चेक कर लेते हैं, देखिए माशाल्लाह पानी अभी भी, क्योंकि चिकन ने अपना पानी भी छोड़ा है जबकि हमने जो पानी डाला था वो 1/2 कप ही डाला था। तो बस चिकन इतनी देर में गल जाता है यानी टेंडर हो जाता है। तो हमने इस पानी को ड्राई कर लेना है हाई फ्लेम करके। तो थोड़ा सा ड्राई होने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको मैं ड्राई कर लेती हूँ पानी को हाई फ्लेम पे। चिकन का पानी ड्राई हो गया है, देखिए माशाल्लाह चिकन पे हल्का सा कलर भी आ गया। तो हमें इसी तरह का कलर चाहिए था। तो इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल देती हूँ 1 अदद टमाटर, जो मैंने चीज निकाल के यानी इसका पानी निकाल के तो इसको स्लाइस कर लिया है। 1 मीडियम साइज का शिमला मिर्च, इसको भी इस तरह लंबाई में स्लाइस कर लिया है। और ये तीखी वाली मिर्च लाल, मेरे पास 2 अदद थी, 1 अदद ग्रीन मिर्च, तो ये भी शामिल कर लिया है। तो सबसे पहले ये डाल देते हैं। 1 लार्ज साइज का प्याज, ये भी इसी टाइम पे हमने डालना है ताकि अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। हाई फ्लेम पे हमने इनको सॉफ्ट करना है यानी मीडियम लो फ्लेम पे इसको नहीं करना। तो हाई फ्लेम पे हमने इसको इन सब्जियों को सॉफ्ट कर लेना है। तो एक ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो इस स्टेज पे मैंने क्या डालना है तो मैं दिखाती हूँ आपको। 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और 1/2 टीस्पून हमने नमक मजीद ऐड कर देना है, क्योंकि वो नमक हमने सिर्फ चिकन के लिए डाला था। तो बस यही मसाला जात हमारे मजीद डलेंगे। तो इसको मैं अच्छी तरह से घुमा लेती हूँ। ध्यान रहे कि आपका जो चिकन है वो टूटने ना पाए, बस सब्जियों को हमने सॉफ्ट करना है थोड़ा सा। तो इस तरह घुमाते हुए मैं इसको सॉफ्ट, हमने गिलाना नहीं है, सब्जियों का जो कलर है वो चेंज ना होने पाए। तो बस सॉफ्ट हो जाए तो हमें इसी तरह से चाहिए। तो इस तरह आराम आराम से हिलाते हुए हम सब्जियों को सॉफ्ट कर लेते हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट ही लगेंगे सब्जियों को। 2 मिनट सिर्फ घुमाने से देखिए सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो गई हैं, कलर हमारे पास अच्छा सा एक कलर है। तो इसी स्टेज पे हमने मलाई जो है वो डाल देनी है यानी डेरी क्रीम, ये डाल देनी है सारी की सारी। अगर आप चाहें तो इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तकरीबन 1 कप भर के मलाई का ये यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसको डाल के हमने सिर्फ इसको मिक्सी करना है थोड़ा सा, और इसका ऑयल ऊपर आने का वेट करना है हमने। लो फ्लेम पे तकरीबन 1 मिनट हो गया है इसको, ताकि मसाला जात आपस में मिक्स हो जाए। तो इसी स्टेज पे मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ये ऐड कर रही हूँ, ज़बरदस्त सा एक खुशबू और ज़बरदस्त सी लुक के लिए। और इसी के साथ तकरीबन 1 टीस्पून ओरिगेनो ये भी स्प्रिंकल कर देती हूँ, और थोड़ा सा हरा धनिया खूबसूरती के लिए, ताकि हमारी डिश खूबसूरत सी लुक दे। तो फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ, और इसी पे मैं
इसको एंड करूंगी। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज के टिप एंड ट्रिक बटर चिकन आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे तरीके से एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की जबरदस्त सी डिश अभी तक आपने यकीनन नहीं टेस्ट की होगी। तो अगर आप नया टेस्ट मुरफ्फड़सा टेस्ट चाहते हैं तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।